द क्वेश्चन सेज दैट इट सेज नथिंग, द क्वेश्चन इज मेड एक्चुअली. वो कह रहा है कि जी पूरा क्वेश्चन हमने बना के रखा हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर जो है आपको थोड़ी चेंजिंग्स करनी है. क्वेश्चन जो बना है वो प्रोसीजर है, और प्रोसीजर अगर आप देखें, क्या ये प्रोसीजर सर्च नाम का प्रोसीजर, क्या इसका कोई पैरामीटर है? ये सब बच्चों से पूछ रहा हूँ मैं, अभी आपसे भी पूछ रहा हूँ, क्या इस सर्च का कोई पैरामीटर है? पैरामीटर अभी बड़ा इतने प्यार से समझाया था ना, तो इंचेस लिखा होगा ना ब्रैकेट में, इंचेस वो पैरामीटर था. फिर हमने एक और फंक्शन लिख के दिखा था एक्स और वाई, मैंने कहा उसके दो पैरामीटर्स हो गए. देखो बहुत आसान है, सर्च के आगे जो ब्रैकेट बना हुआ है ना, उस ब्रैकेट के अंदर जितने वेरिएबल्स लिखे होंगे वो उस सब रूटीन के फंक्शन या प्रोसीजर के पैरामीटर्स कहलाएंगे. राइट नाउ इस सर्च के आगे ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं है, इट्स मीन इट डज नॉट हैव एनी पैरामीटर. ओके दैट इज दे कैन इवन आस्क यू सच क्वेश्चंस. सो दिस सर्च प्रोसीजर डज नॉट हैव एनी पैरामीटर. नीचे वो जाके हमें ये कह रहा है कि आपने प्रोग्राम को चेंज, सबसे पहले तो ये करना है कि सर्च को आपने बना देना है अब फंक्शन, तो प्रोसीजर की जगह लिख देंगे फंक्शन. फिर वो कह रहा है कि फर्दर ये सर्च जो होगा वो क्या करेगा, एक पैरामीटर को भी रिसीव करेगा सर्च पहले को, और रिसीव करने के बाद इंटीजर को रिटर्न करेगा. तो हमें पता चल गया फंक्शन सर्च ब्रैकेट के अंदर सर्च वैल्यू और रिटर्न्स इंटीजर. एक तो चलो मैं हेडर बनाना सीख लिया हमने. अच्छा अब नीचे भी तुझे थोड़ी सी चीज लिखी है कि उसको किस तरह से चेंज करना. तो नीचे मैं कोड करने के बजाय इसको यहीं पे चेंज करने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए. तो ये एक बहुत अच्छी ड्रिल हो जाएगी, आपको फंक्शन प्रोसीजर थोड़ा सा समझ में भी आ जाएगा. तो प्रोसीजर की जगह पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, बाकी सारी चीजें तो वैसे ही होंगी, प्रोसीजर की जगह लिखेंगे फंक्शन, और इस फंक्शन का नाम भी होगा सर्च, और एक पैरामीटर को रिसीव करेगा जिसका नाम होगा सर्च वैल्यू. यार क्योंकि यहाँ पे सर्च स्ट्रिंग लिखा हुआ है ना, तो उसको भी हम सर्च स्ट्रिंग ही लिख देते हैं. सही है, सर्च स्ट्रिंग. सर्च स्ट्रिंग की डेटा टाइप क्या होगी? लेट्स ट्राई टू रीड इट. उससे हो सकता है कहीं पे किसी जगह पे कुछ मेंशन किया हुआ. सर्च स्ट्रिंग को से स्ट्रिंग लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कि ऑफ कोर्स इस सर्च स्ट्रिंग की डेटा टाइप स्ट्रिंग ही होगी. अच्छा पीपल वन थिंग, क्योंकि अच्छा यार क्योंकि मेरे जगह की कमी है तो मैं रिटर्न्स करके नहीं लिख रहा, कोलन करके लिख रहा हूँ. रिटर्न डेटा टाइप क्या होगी? इंटीजर होगी. कैसे पता चला? उससे क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे बोला हुआ कि आप जो रिटर्न करोगे वो आप करोगे इंटीजर वैल्यू. सही है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इंटीजर. बेटा 100 बातों की एक बात, क्योंकि देखो सर्च स्ट्रिंग तो मैंने ऐसा पैरामीटर के तौर पे रिसीव कर लिया है, तो अब जब मैं फंक्शन बना रहा होगा तो मुझे ये डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको पैरामीटर के तौर पे मैं रिसीव कर रहा हूँ. लेकिन एनी केस, खैर ये तो हम यहाँ से यहाँ तक चेंज कर रहे हैं, ये उसके ऊपर हुआ हुआ है ना, तो उसकी हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं. अगर बीच में हुआ होता तो फिर हम देखते हैं खाली बैठ फंक्शन. सर आपने इंटीजर क्यों किया? यार इंटीजर इसलिए किया है क्योंकि उसने देखो क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न एन इंटीजर, तो जो रिटर्न करेगा इंटीजर डेटा टाइप होगी उसके. सही है, कूल ना, जो लिखा हुआ है उसको एज इट इज कंफर्टेबली फॉलो कर रहा है बेटा. बाकी जो है नीचे फॉर का लूप वैसे ही चलेगा, और नीचे फॉर के लूप के बाद उसने हमें कहा है कि Either the integer value where the search value is first found, ये दो चीजों को रिटर्न करेगा. अगर तो चीज मिल गई तो वो हमें रिटर्न करेगा उसकी जो भी इंडेक्स वैल्यू है वो, नहीं मिला तो क्या रिटर्न करेगा? नहीं नहीं वो क्या रिटर्न क्या करेगा, -1. तो हम यही काम करते हैं कि फॉर का लूप इट एज इट इज लगेगा, और इंडेक्स ठीक है 1 to 100, और यहाँ पे इफ नेम्स लिस्ट. बेटा जिसको जो चीज समझ में ना आए फॉरन पूछ ले ताकि वो हाथ के हाथ क्लियर हो जाए. इंडेक्स
टू सर्च स्ट्रेंथ, ठीक है। उसके बाद अगर बेटा ये चीज मिल गई तो क्या करोगे, देन बेटा आप क्या करोगे, रिटर्न। अगर अगर बेटा मिल गई, वैल्यू नहीं मिली तब। अगर चीज मिल गई तो आप रिटर्न क्या करोगे, इंडेक्स को रिटर्न कर दोगे। एल्स क्या सर करोगे, दोबारा से। एल्स रिटर्न माइनस वन, तो ये हो जाएगा एंड एफ, और यहाँ पे कर दोगे इसको नेक्स्ट, और यहाँ पे इसको कर दोगे एंड फंक्शन, ठीक है। तो दिस इज द चेंज दैट यू विल गोइंग टू ब्रिंग इन द कोड वंस यू विल गोना चेंज इट फ्रॉम प्रोसीजर। अच्छा लाजमी नहीं है कि प्रोसीजर से फंक्शन बना रहे हो तो आपको पैरामीटर भी बनाना पड़े, उस टाइम से जो जो चीजें बोली हमने उसको करके दिखा दी, हमने पैरामीटर को सीख लिया, हमने रिटर्न वाली चीज को सीख लिया। फॉर वन टू इफ नेम लेस देन रिटर्न एक्स, अच्छा वेरी गुड, आई रिस्पेक्ट दिस कोड एज वेल। बट देखो इसने बहुत अच्छा काम किया हुआ है कि अगर नेम लिस्ट एक्स इस कोड को समझेगा, असान गुड, यू नो आई लव टू सी व्हेन सम स्टूडेंट ऑफ योर्स इवन यू नो मेड बिट डिफरेंट बट इवन कूलर प्रोग्राम। देखो ये बड़ा मजे का प्रोग्राम है, उसको सब सुनिएगा, सब समझने की कोशिश कीजिएगा। बेटा देखो बिल्कुल वैसे का प्रोग्राम है, उसने ये चीज बिल्कुल सही बनाई हुई है, ठीक है। उसने कोलन की जगह रिटर्न्स लिखा है, और अच्छी बात है, लूप लगा हुआ है, बिल्कुल वैसे ही कंडीशन लगी हुई है, लेकिन अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो रिटर्न एक्स कर रहा है, क्योंकि उसने यहाँ पे इंडेक्स ही लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है, ठीक है ना। अच्छा अब नीचे इसने यहाँ पे जाके जस्ट बिफोर एंड फंक्शन रिटर्न माइनस वन बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है, इसने ऐसे क्यों लिखा हुआ है। देखो फंक्शन किस तरह से काम करता है, जब आप फंक्शन को रन करोगे और ये जब फॉर का लूप आप रन कर रहे हो, okay, और जब ये इफ की कंडीशन चल रही होगी, अगर ये कंडीशन बेटा चल गई, अगर कोई नेम लिस्ट एक्स की वैल्यू सर्च वैल्यू के बराबर हो गई, और अगर ये रिटर्न वाली कमांड चल गई, हाउ फंक्शंस वर्क, तो लुकमान बेटा हाउ दिस फंक्शन वर्क्स, कि जहां देखो यहां पे ये रिटर्न होगा ना, तो यहीं से रिटर्न लेके फंक्शन को एंड करके ये प्रोग्राम वापस चला जाएगा अपना रिजल्ट लेकर। सो दिस इज हाउ रिटर्न्स वर्क्स इन ए सब रूटीन फंक्शन। व्हाट इफ कि ये पूरे प्रोग्राम को एक से लेके 100 तक रन करता है, और ये इफ वाली कंडीशन बेटा एक दफा भी नहीं चलती, तो फिर क्या होगा, बाय डिफॉल्ट ये लास्ट वाला रिटर्न चलेगा, और जब ये लास्ट वाला रिटर्न चलेगा तो ये क्या लेके जाएगा, माइनस वन लेके वापस जाएगा। तो अगर ये वाला रिटर्न चल गया इफ की कंडीशन चलने से, तो फिर ये वाला रिटर्न नहीं चलेगा, ये इधर से यूं चला जाएगा बस, सही है। सो दिस इज अ ग्रेट प्रोग्राम, आसान, लेकिन ये है कि हमारे उलझ वाले बच्चों के लिए भी अच्छा है, समझना थोड़ा आसान है। हाँ नहीं चल सकते, फंक्शन में जो रिटर्न पहले हो गया ना, जो रिटर्न पहले हो गया दूसरा वाला रिटर्न स्किप हो जाएगा। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई तुम्हारी, अगर जो है सॉरी, अगर उसको जो ये नेम लिस्ट एक्स जो भी है इज इक्वल टू सर्च वैल्यू के बराबर हो गई, तो इफ वाली कंडीशन चलेगी तो ये वाला पार्ट चल जाएगा ना, इफ एंड इफ के इन बिटवीन वाला। अगर ये वाला रिटर्न चल गया तो ये सीधा इधर आएगा और बाहर, और पूरा वन से लेके 100 तक चेक किया, नेम लिस्ट 1 2 3 4, एक दफा भी ये नहीं चला, देन एक दफा भी इफ एंड इफ कैन बिटवीन वाला रिटर्न नहीं चला, क्योंकि मैच ही नहीं कर रहा, तो फिर बाय डिफॉल्ट ये वाला रिटर्न चलेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट के बाहर जब आएगा पूरे का पूरा चलाने के बाद, वन से लेके 100 तक, एक जब फॉर के लूप से बाहर आएगा तो ये वाला रिटर्न चल जाएगा, ये चलेगा तो फिर माइनस वन लेके चला जाएगा, टारगेट अचीव। अगर बीच वाला रिटर्न चल गया तो उसके इंडेक्स की वैल्यू लेके चला जाएगा, अगर नहीं तो फिर वो बाय डिफॉल्ट माइनस वन लेके। गुड, ओके गुड, तो हमने इसको थोड़ा इस तरह से कोड किया था, ये भी ठीक है, दिस विल आल्सो गोइंग टू वर्क, बट दिस कोड डेफिनेटली लुक्स इवन स्मार्टर।
लेकिन यार इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा हमारे ओ लेवल वाले बच्चों को कि यार वो ये क्या चक्कर है, नीचे रिटर्न माइनस वन लिखा हुआ है, कॉमन जो है वो थिंकिंग तो ये यार ये तो चलेगा ही चलेगा, ये क्या हुआ, ऊपर वाला रिटर्न एक्स हुआ तो नीचे वाला माइनस वन भी हो गया, तो ये लेकिन रिटर्न जो पहले चलता है वही चलता, और ये जरा समझना इसको रट्टा लगाना आसान है कि जी इफ की कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाला वरना एल्स ये वाला। आई एम स्विचिंग ऑफ द रिकॉर्ड।